बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम में हम लोगों ने देखा है कि इनर्शिया क्या होती है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु के अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का जो विरोध होता है, या कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उसे बोलते हैं जड़त्व। और ये जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, वह वस्तु के मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका इनर्शिया यानी जड़त्व भी अधिक होता है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग, संवेग क्या होता है, या इसी को बोलते हैं रेखीय संवेग। अभी तक हम केवल संवेग संवेग करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज करते हैं। रेखीय संवेग का मतलब अगर कोई बॉडी है, कोई वस्तु है और रेखीय पथ पर गति करती है तो उसके अंदर जो मोमेंटम आता है उसे बोलते हैं रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो रेखीय संवेग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v, या वेग कौन सा वेग होता है, रेखीय वेग होता है, लीनियर वेलोसिटी, वेग v के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग, अनि पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, या वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर पी इज इक्वल टू एम इनटू वेक्टर वी। ये रेखीय संवेग वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेग के डायरेक्शन में होती है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग के दिशा में होता है, जिधर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में यह होता है। इसका मात्रक यूनिट क्या होगा, मास का होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तथा बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र मास का बीमा एम और वेग की बीमा एल टी पर माइनस वन होता है। अगर सी जी एस में देखें, सी जी एस में इसकी यूनिट को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम, और मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सी जी एस सिस्टम में यह हो जाएगा। नोट में लिखते हैं नंबर एक, यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं, यदि समान द्रव्यमान नियम कर दे रहे हैं, समान द्रव्यमान नियम की दो वस्तुओं का वेग V1 व V2 हो तो, V1 व V2 हो तो इनके संवेग का अनुपात, अनुपात
समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, ऐसे देखिए एक वस्तु यह है और एक वस्तु यह है, दोनों का मास इक्वल है और यह चल रहा है किससे, v1 वेलोसिटी से, और यह चल रहा है किससे, v2 वेलोसिटी से। तो इसका मोमेंटम संवेग p1 और इसका मोमेंटम यानी संवेग अगर p2 है तो दोनों का जो है रेशियो कितना होगा, तो p1/p2 इक्वल टू mv1/mv2, यानी यह हो जाएगा v1/v2, यानी p1/p2 बराबर v1/v2। तो कह सकते हैं अर्थात p इज प्रोपोर्शनल टू v। p किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट v पर, जिसकी भेला जिस वस्तु का वेलोसिटी अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिस वस्तु का वेलोसिटी कम होगा उसका संवेग कम होगा। अगर इसमें हम ग्राफ खींचें, प्लाट करें ऐसे, इधर हमारा भी है और इधर मोमेंटम पी है, तो दोनों में जो ग्राफ आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ एम इक्वल टू क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, मास क्या है, बिल्कुल स्थिर है। तो पी और भी में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इधर क्या है, वेलोसिटी है, इधर वेग है, इधर क्या है, संवेग है, संवेग है। तो कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे जिस समान द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो, तो जिस वस्तु का वेग अधिक होता है उसका संवेग अधिक होता है, और जिस वस्तु का वेग मंद होता है या कम होता है उसका संवेग भी कम होता है, उसका संवेग भी कम होता है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो तब क्या होता है। यदि समान वेग भी से गतिमान दो वस्तुओं के वेग, दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 व m2 तथा संवेग p1 व p2 हो, तो दो वस्तु के द्रव्यमान अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए बड़ी वस्तु है और एक छोटी सी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, यह भी वेलोसिटी भी से चल रहा है और यह भी वेलोसिटी भी से चल रहा है, तो इसका संवेग जो होगा p1 यह होगा m1 भी, और इसका संवेग होगा p2 यह होगा m2 भी। तो कह सकते हैं यहाँ पर p1/p2 इक्वल टू m1v/m2v इज इक्वल टू m1/m2, या कह सकते हैं p डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू m। अगर दो वस्तुओं के वेग बराबर हैं या कोई वस्तुएं हैं उनकी वेग बराबर हैं, तो किसका संवेग अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। अगर मान लीजिए एक ट्रक है और एक जो है टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, दोनों समान वेग से रोड पे चल रहे हैं, तो दोनों का वेग समान है, तो पूछा जाए किसका संवेग अधिक होगा, तो ट्रक का संवेग अधिक होगा क्योंकि उसका मास क्या है, अधिक है। तो इन दोनों में अगर ग्राफ खींचा जाए ऐसे, इधर m है, मास है,
इधर मोमेंटम है, तो इसमें जो ग्राफ आता है ये भी स्ट्रेट लाइन आता है, इसे स्ट्रेट लाइन यहाँ लिखेंगे भी इज इक्वल टू नियतांक, यानी भी क्या है स्थिर है, तब ऐसा आता है। इसको कह सकते हैं अर्थात समान वेग से गतिमान वस्तु, समान वेग से गतिमान वस्तुओं के संवेग द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। नंबर तीन, यदि समान रेखीय संवेग P से गतिमान दो वस्तुओं के द्रव्यमान M1 व M2 तथा वेग V1 व V2 हो तो, यानी वस्तु का मास भी अलग है, ये बड़ा है और ये मान लेते हैं छोटा है, यह M1 है और ये क्या है M2 है, यह चल रहा है V1 वेग से और यह चल रहा है V2 वेग से, लेकिन दोनों का संवेग क्या है इक्वल है, P इक्वल टू M1 V1 और यहाँ P इक्वल टू M2 V2, ये दोनों क्या है संवेग क्या है कांस्टेंट है। अगर इसको P1 और P2 आप करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको P1 बराबर P2, समान रेखीय संवेग से गतिमान है, तो P1 के जगह पर M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V2, या कह सकते हैं MV इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट, या लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसमें जो ग्राफ अगर खींचा जाए इसे, ये M है और ये क्या है भी है, तो दोनों के बीच में ग्राफ खींचने पर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसका मतलब ये होता है जिसका मास अधिक होगा उसका वेलोसिटी, जिसका मास अधिक होगा अधिक तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी, अगर संवेग इक्वल है तो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी भी जो प्रोपोर्शनल टू 1/m, लिख सकते हैं रेखीय संवेग पी स्थिर होने पर रेखीय वेग भी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है।